वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है बेटा आप लोगों मैम अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, आप ठीक है? के? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप में से ये स्टूडेंट 515 रोल नंबर किसका है? 515 रोल नंबर है उम्मे कलसूम का। मेरे पास जो आप लोगों का की लिस्ट है आपकी क्लास की, वो 515 उम्मे कलसूम है। उम्मे कलसूम सुन रही हैं हमें? रोल नंबर 515 उम्मे कलसूम। अगर आपने अपना अपने आप को रिकग्नाइज नहीं करवाती हैं तो मैं इधर से रिमूव कर दूंगी आपको स्टूडेंट। इफ हेयर 515 इज उम्मे कलसूम देन लेट मी नो। ओके, नाउ आई एम टेकिंग योर क्लास अटेंडेंस। रोल नंबर 502, रोल नंबर 502। प्रेजेंट मैम। सुन, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे बिल्कुल भी। रोल नंबर 502, प्रेजेंट मैम। जरा ऊंची आवाज में बोले। सिक्स, प्रेजेंट मैम। थ्री, सेवन, प्रेजेंट मैम। टेन, प्रेजेंट मैम। इलेवन, इलेवन, नो, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, मैम 15 कह रही है कि उसके माइक का इशू है, उसका क्या इशू? अब चैट तो कर सकती है ना। पता नहीं मैम। उसने गर्ल्स ग्रुप में मैसेज किया है कि मैम को बोल दें कि मेरा माइक इशू है। उनसे कहें, मैम कह रही हैं चैट करें और मुझे बताएं कि आप उम्मे कुलसूम ही हैं। उन्होंने, अगर उम्मे कुलसूम है तो उन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन में अपना नाम क्यों नहीं लिखा हुआ? चले मैम, मैं कह देती हूँ। आइंदा से अपना नाम वो अपने रजिस्ट्रेशन रोल नंबर और नेम के साथ ही करें, जैसे बाकी स्टूडेंट ने की हुई है। ठीक है, उनको मैसेज दे दें। 15 ओके मैम। हो गया। 16, 17, 18, 17 और 18 एब्सेंट हैं। 19, 20, 21, कजन मैम, 22, 22, 23, 24, प्रेजेंट 25, प्रेजेंट मैम, 27, प्रेजेंट मैम, 28, प्रेजेंट मैम, 29, प्रेजेंट मैम, 30, प्रेजेंट मैम, 32, प्रेजेंट मैम, 33, प्रेजेंट मैम, 34, 35, प्रेजेंट मैम, 36, 37, प्रेजेंट मैम,
40 present 41 43 present ma'am 44 45 yes ma'am 46 48 49 50 51 52। ये जो स्टूडेंट इधर मेरी क्लास में एब्सेंट होते हैं, आप में से कोई बता सकता है बाकी क्लासेस में भी ये एब्सेंट ही रहते हैं? ये 45 से ऑनवर्ड 60 तक, ये 59 तक लोग जो हैं ये एब्सेंट होते हैं, ये क्या वजह है? ये क्लास छोड़ गए हैं या इस सेक्शन में नहीं है, क्या मसला है? मैम इंटरनेट इशू होता है उनके एरिया में। ये टोटल हमारे पास कितने 14 स्टूडेंट बनते हैं, इनके गैप है। और इनके मैम मैंने फर्स्ट डे भी शायद आपको या पता नहीं मैम खतीजा को बताया था कि मैम हमारी से स्ट्रेंथ है 59, लेकिन मैक्सिमम बच्चे 30-35 है स्टूडेंट जो क्लासेस लेते हैं। हाँ, तो कुछ क्या करते मैम दूसरे स्टूडेंट कुछ ऐसे हैं जो मतलब ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे बिल्कुल भी इंटरनेट की एक्सेस नहीं है, फिर तो वो यूट्यूब से मतलब हम ये जो आपके लेक्चर्स होते हैं ये यूट्यूब पे भी अपलोड कर देते हैं और नोट्स भी उनको दे देते हैं, वो खुद भी बना लेते हैं, तो वो उधर से फिर देख लेते हैं। अच्छा मैम कुछ बच्चे इंटरनेट के इशू की वजह से क्लासेस नहीं ले सकते। ओके रोल नंबर 60 प्रेजेंट है। प्रेजेंट मैम। मैंने 56 भी प्रेजेंट। 56 प्रेजेंट है जी मैडम। तो मुझे क्यों नहीं शो हो रहा यहाँ पे? मैडम मैं नाम ही लिखा हुआ कर। उसामा मजीद है जी मैडम। उसामा मजीद रोल नंबर 56। मुझे यहाँ पर 45 के बाद, अच्छा कहीं आपने लास्ट पे तो नहीं किया होगा? सैयद खालिद इम्तियाज रोल नंबर भी उसामा मजीद। आप असल में वजह क्या है, आपने सिर्फ उसामा मजीद लिखा हुआ है, आपने रोल नंबर नहीं लिखा हुआ अपना, समझ आ रही बात की? जी मैडम। आप अपना पहले रोल नंबर लिखें फिर ये नेम इस तरह से लिखें जैसे बाकी स्टूडेंट्स ने लिखा हुआ है, ताकि आपका उसमें लिस्ट में आए नाम। ठीक है। ओके 61 63 प्रिंट है, मुझे आवाज नहीं आ रही। कौन प्रेजेंट है आपकी? 63 64 65 66 67 absent 68 प्रेजेंट। प्रेजेंट मैम। मैम 63 प्रेजेंट है। हो गया लेकिन इधर क्यों नहीं है प्रेजेंट? नाम क्या है बेटा आपका? का नाम है मिनाहल, मिनाहल तारक जी। मैं 52। 63 ठीक हो गया। 62 भी प्रेजेंट है? 52 मैम। 52 जी मैम। खालिद इम्तियाज जी मैम। आपका फिर लिस्ट में क्यों नहीं नाम आ रहा? ठीक है। तो ये तंजील मलिक कौन है? तंजील मलिक, व्हाट्स द रोल नंबर ऑफ तंजील मलिक? 49 जी। मैम एब्सेंट।
नहीं एब्सेंट क्या मतलब, यहाँ पे शो हो रहा है तंजील मलिक, ये कौन है? मैम ये क्लास में ही है। क्या है एब्सेंट नहीं हूँ मैम। क्या कह रहा? नेट इशू की वजह से मैं, मैंने कहा एब्सेंट नहीं हूँ प्रेजेंट ही हूँ। प्रेजेंट तो हो, रोल नंबर मैं पूछ रही हूँ आपसे कि आपने रोल नंबर क्यों नहीं यहाँ रजिस्टर करवाया हुआ। जी मैम मैं अभी मेंशन करता हूँ, 40 है रोल नंबर मेरा। 40 है जी। रोल नंबर भी साथ सारे स्टूडेंट मेंशन करें। याद रखे जो स्टूडेंट सिर्फ रोल नंबर लिखेगा और या जिसका सिर्फ नेम होगा ठीक है ना, वो अपने ठीक कर लें रजिस्ट्रेशन। अभी मैं प्रेजेंट करती हूँ, ये है मोहम्मद तंजील, प्रेजेंट कर जी मैम। 40 40 रोल नंबर मैम। 60 की लग गई है अटेंडेंस, आवाज नहीं आ रही थी तब। 63 की, 63 की बोल रही है, लगी हुई है ना इनकी 563। मैम 64 जो है वो सीआर का रोल नंबर है, उनका मैसेज आया है कि मैम को बता दे मेरा इलेक्ट्रिसिटी इशू है। अच्छा और कोई स्टूडेंट? मैम 03 का भी इलेक्ट्रिसिटी इशू है। चलो आज तो लगाती हूँ, अगर कल देखते हैं इनका कल का क्या बनता है, आज तो प्रेजेंट कर देते हैं इसको। शेयर किया है पेज आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, वहां से आप देख लीजिएगा, स्क्रीन शो हो रही है ना आपके साथ? जी मैम। इसमें जो है ना मैंने M4 को प्रूफ किया है, जब आपके पास एक्स था एल इनफिनिटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपके पास जब एक्स इज इक्वल टू एल इनफिनिटी था, जिसमें डी एक्स वाई क्या है, डी एक्स एंड वाई एन दो सीक्वेंसेस के दरमियान डिस्टेंस को कैसे डिफाइन किया हुआ, सुप्रीमम ऑफ मॉड वैल्यू ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन वेयर एन बिलोंग्स टू एन, ये थी इसकी सुप्रीमम। और एक्स थी एल इनफिनिटी, जिसकी एम फोर के बारे में वो था कि ये कैसे प्रूफ हुआ है और ये क्या इन्फिमम के साथ ये प्रूफ हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये ठीक है अभी आपको पता चल जाएगा। लेट z इज इक्वल टू जी एन बी एन एलिमेंट ऑफ x, क्योंकि x l इन्फिनिटी है तो लिहाजा इसका जो पॉइंट होगा वो एक क्या होगा, बाउंडेड सीक्वेंस, क्योंकि इसमें सारी बाउंडेड सीक्वेंसेस पड़ी हुई हैं। तो बाउंडेड सीक्वेंस हमने ले ली x में से, देन एक्स एन माइनस जी एन, जाहिर सी बात है एक्स एन वाई एन ऑलरेडी इसकी सीक्वेंसेस थी ली हुई थी, लेकिन एक तीसरा पॉइंट z लिया जो कि जी एन है ठीक है। तो एक्स एन माइनस जी एन किया, इसकी मॉड वैल्यू कैन बी रिटन एज एक्स एन माइनस वाई एन मॉड प्लस वाई एन माइनस जी एन मॉड फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, क्या ख्याल है? क्योंकि आपके पास जो सीक्वेंस होता है वो एक फंक्शन होता है जिसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होती है ठीक है। तो एन तमाम कैपिटल एन को बिलोंग कर रहे हैं और यहाँ पर जो आपके पास एक्स एन आ रहा है, मतलब सीक्वेंस की टर्म्स एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर, ये किसको बिलोंग करती हैं बोलिए? सीक्वेंस की टर्म्स किसको बिलोंग, अगर हम कहते हैं ये रियल सीक्वेंस है इसका मतलब सीक्वेंस नेचुरल नंबर नहीं, एन नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, जबकि एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री जो है ये तो होती है ना वो रियल सीक्वेंस है, तो आर को बिलोंग करेंगे ना। बस ना देखिए ना, एफ है आपके पास, अगर आप कहते हैं एफ एक फंक्शन है जो के सपोज आप किससे किस पर कहते हैं इसको, एन से आप कहते हैं दिस इज फ्रॉम एन टू आर, तो इस एन इस एफ को हम सीक्वेंस कह सकते हैं जी मैम। सीक्वेंस की जो टर्म्स होती हैं इसको आमतौर पर एफ ऑफ, देखिए ना एफ ऑफ एन वेयर एन बिलोंग्स टू एन क्यों लिखेंगे, ये किसको बिलोंग करेगा एफ ऑफ एन, नेचुरल नंबर को। यस मैम, ये आगे फिर आर को चाहिए। तो एफ ऑफ वन एफ ऑफ टू एफ ऑफ थ्री की बजाय क्या लिख दिया जाता है, जनरली लिख देते हैं एक्स वन एक्स टू एन ठीक है। तो f of 1 का मतलब होगा x1, f of 2 का मतलब x2 and so on, x1, x2, x3, so on, ये किसको बिलोंग करेंगे, r को। अगर ये कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस है fn से c पर है तो जहरा ये सारे कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, समझ आ रही है बात की? जी मैम। अच्छा अब ये पेज नजर आ रहा है ना आपको,
तो इसमें मैं ये आपको बता रही हूँ कि ये जो एक्स एन माइनस जी एन है ये क्या होंगे, रियल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन एक रियल नंबर है, समझ आ रही बात की। सो दिस इज मॉडुलस कैन बी रिटन एज एक्स एन माइनस वाई एन मॉड प्लस वाई एन माइनस जी एन मॉड। ये मॉड वैल्यू मॉड जो है ये इसकी ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी अप्लाई की जा सकती है फॉर ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। क्योंकि जो शुरू में सबसे पहली एग्जाम्पल आपने पढ़ी थी आर की, उस पर जो मेट्रिक फंक्शन डिफाइन किया था वो क्या था, एक्स माइनस वाई मॉड वाला, ठीक है, वेयर एक्स एंड वाई आर रियल नंबर्स। तो ये जो एक्स एन माइनस एक्स एन और जी एन है और एक्स एन वाई एन जी एन ये सारे रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स के दरमियान ये ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, तो वो ये हमने वहां से ले ली। अंडरस्टैंड, दिस इज लेस देन इक्वल टू, ये देखें ये किसके लिए, फॉर ऑल एन के लिए, एन बिलोंग्स टू एन। दिस इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन मॉड प्लस वाई एन माइनस जी एन मॉड। ये जो चीज है ये अपनी ये तमाम नंबर जो है सुप्रीमम से कम ही रहेंगे, सुप्रीमम किसी एक नंबर पर होगी, यानी ये हो सकता है कि फंक्शन जो, चूंकि ये सिंपल सेंस भी फंक्शन ही है, किसी एक पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमम है या सुप्रीमम है उसकी फंक्शन की जो जी है। मैम चूंकि ये रियल नंबर्स है ना, अगर आप गौर करें ये सारे देखें एक्स एन माइनस वाई एन मॉड, ये रियल नंबर है, असल में रियल नंबर के दरमियान जो मैक्सिमम आप कहते हैं उसकी ये सुप्रीमम है, ठीक है। तो इसका मतलब ये तमाम जो है ये लेस देन इक्वल टू रहेंगे सुप्रीमम से, ठीक है। सुप्रीमम सेपरेट हो जाएगी, सुप्रीमम ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन मॉड प्लस सुप्रीमम ऑफ वाई एन माइनस जी एन मॉड वेयर एन बिलोंग्स टू एन, हो गया जी मैम। अब जो सुप्रीमम होती है वो क्या होती है, एक रियल नंबर ही होती है ना, किसी सेट की सुप्रीमम से मुराद क्या है, एक रियल नंबर, यानी एक्स एन माइनस वाई एन मॉड की जो सुप्रीमम होगी वेयर एन बिलोंग्स टू, यहाँ लिखना था एन बिलोंग्स टू एन, एन बिलोंग्स टू एन, तो किसी एक नंबर पर सुप्रीमम आ जाएगी, वो क्या होगा, एक रियल नंबर। सिमिलरली नेक्स्ट प्लस वन जो है सुप्रीमम, ये भी एक रियल नंबर होगा, तो दोनों रियल नंबर का एडिशन एक रियल नंबर है। सो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स एन माइनस जी एन मॉड इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ दिस प्लस सुप्रीमम ऑफ दिस, इसको इनक्वालिटी नंबर वन कर लें। इससे आपको क्या पता चला, इससे ये पता चला कि ये जो नई सीक्वेंस बनी थी एक्स एन माइनस जी एन ये बाउंडेड सीक्वेंस हो गई। क्यों, क्योंकि बाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन यही है कि उसकी मॉडुलस वैल्यू जो है किसी खास रियल नंबर से, पॉजिटिव रियल नंबर से वो लेस रहे, ठीक हो गया ना। तो इसका मतलब, और ये सारे पॉजिटिव ही हैं, देखिए मॉड लेंगे फिर उनका सुप्रीमम लेंगे तो इसका मतलब नंबर आपके पास पॉजिटिव ही आएंगे। तो ये बॉन्डेड सीक्वेंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये जो सीक्वेंस बन रही थी एक्स एन माइनस जी एन, ये क्या हो गई, एक बाउंडेड सीक्वेंस हो गई। सो इनइक्वालिटी वन शोज डेट एक्स एन माइनस जी एन इज अ बाउंडेड सीक्वेंस इन आर, सो एक्स एन माइनस जी एन विल बिलोंग्स टू एक्स, डेट इज एल इन्फिनिटी, क्योंकि बाउंडेड सीक्वेंस हो गई ना, तो फिर एल इन्फिनिटी को बिलोंग करती है। सिंस अब देखें, सिंस द बाउंड गिवन बाय एक्सप्रेशन इन वन, ये जो इनइक्वालिटी वन में जो एक्सप्रेशन राइट साइड पे आपको नजर आ रहा है, ये जो है ये इट डजंट डिपेंड ऑन एन, सिंस द बाउंड गिवन बाय एक्सप्रेशन इन वन राइट हैंड साइड अबव डजंट डिपेंड ऑन एन, सो वी मे टेक द सुप्रीमम ऑन लेफ्ट साइड। तो ये किसी, हाँ आप ये नहीं कह रहे कि इस एन पर इसकी ये जो सुप्रीमम है, किसी भी एन के लिए सुप्रीमम हो सकती है, समझ आ रही बात की, यानी एन कोई भी हो सकता है जिस पर ये सुप्रीमम हो सकती है, तो किसी खास एन के लिए आप नहीं कह रहे कि ये है तो लिहाजा वो एन जो है वो इनसे लेस रहेंगे, बाकियों का कोई पता नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जब ऐसा नहीं है तो इसका मतलब आप सुप्रीमम जो है वो लेफ्ट साइड पर भी ले सकते हैं। तो इसका मतलब अगर ये नंबर तमाम एन जो कि कैपिटल एन को बिलोंग करते हैं, उन तमाम एन के लिए ये जो इनइक्वालिटी वन जो है वो अगर सेटिस्फाई करती है, तो इसका मतलब इनकी सुप्रीमम भी इससे लेस रहेगी। अगर यानी तमाम के तमाम एक्स एन माइनस जी एन मॉड लेस देन रहते हैं इस इन ये खास नंबर जो दो सुप्रीमम के एडिशन से आ रहा है, तो इसका मतलब इनकी जो सुप्रीमम होगी वो भी इससे लेस रहेगी, क्योंकि तमाम के लिए हो रहा है, क्योंकि वजह यही कि वो क्योंकि खास एन पे डिपेंड नहीं कर रही उसकी जो सुप्रीमम है। सो सुप्रीमम, सो वी मे टेक सुप्रीमम ऑन लेफ्ट साइड ऑफ इनइक्वालिटी वन, एंड सो सुप्रीमम ऑफ एक्स एन माइनस जी एन मॉड वेयर एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ दिस प्लस सुप्रीमम ऑफ दिस। दिस इंप्लाइज दैट डी एक्स, ओ सॉरी यहाँ पे ना वाई लिखा गया, डी एक्स जी लिखना था यहाँ पे मैंने, डी एक्स जी लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस डी वाई जी, समझ आ रही बात की,
जी मैम। अच्छा ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया कि ये जो एम फोर है अगर आप सुप्रीमम वाली मीट्रिक लेते हैं तो एम फोर जो है इस तरीके से सेटिस्फाई हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचें, अगर आपने सुप्रीमम की बजाय इन्फिमम लिया हो तो क्या आप ये प्रूफ कर सकते हैं? नो मैम। कोई और स्टूडेंट? अच्छा जिन्होंने कहा नो मैम, कोई रीजन होगी आपके पास? मैम यही पूछा था आपसे कि हम रीजन इसके क्या देंगे। नहीं, अभी मैंने ये सारा डिटेल इसलिए आपको दिया, आपको आपको अब समझ आ जाए। अभी आपके सामने देखिए सब कुछ लिखा लिख दिया, इसलिए यहाँ देखें सेकंड लाइन में शुरू में हमने जो लिखा, लेट जी इज इक्वल टू जी एन बिलोंग्स टू एक्स, देन एक्स एन माइनस जी एन मॉड इज लेस देन इक्वल टू दिस, ओके प्लस दिस इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ दिस, हमने लिखा नहीं यहाँ पर सेकंड। अब तमाम फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, अगर ये इनक्वालिटी सेटिस्फाई होती है, पहली इनक्वालिटी पहली लाइन जो हमने लिखी है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, अगर ये सेटिस्फाई होती है तो इसका मतलब ये नंबर अपनी सुप्रीमम से भी तो लेस रहेगा ना। अगर ये आपके पास इन्फिमम हो तो क्या हम कह सकते हैं दिस इज लेस देन इक्वल टू इन्फिमम ऑफ दिस? नहीं कह सकते ना। इन्फिमम तो खुद छोटी होती है सबसे। जी मैम, फिर नहीं कह सकते। जो पॉइंट्स होते हैं सेट के अंदर जो पॉइंट है उनमें से तो सबसे छोटी होती है ना वो। जी मैम। बाकी सारी अपर बाउंड से तो चलो वो ग्रेटेस्ट होती है, ग्रेटेस्ट अपर बाउंड होती है, लेकिन उस सेट के तो तमाम एलिमेंट्स से छोटी होती है ना। तो इसका मतलब ये सेट के तमाम एलिमेंट्स है, ये हम नहीं कह सकते दिस इज लेस देन इक्वल टू इन्फिमम ऑफ दिस। मैम ये स्टेप रिपीट करना। कौन सा? मैम यही जो आपने बताया इन्फिमम वाला। मैं ये कह रही हूँ कि इन्फिमम जो किसी सेट की इन्फिमम से मुराद क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी जितनी भी उस सेट की लोअर बाउंड्स हैं उन सब में से वो ग्रेटेस्ट है। मसलन मैं आपको कहती हूँ, सपोज मैं लिख देती हूँ, क्या लिख दे, वन ओवर एन ले लें सीक्वेंस, चले वन ओवर एन ले लें। अब वन ओवर एन सीक्वेंस हमने ली, इस सीक्वेंस की जो आपके पास सुप्रीमम है वो क्या है, वन है, ठीक है, और इसकी इन्फिमम क्या है, इन्फिनिटी है। जीरो इस सेट को चाहे नहीं बिलोंग कर रही लेकिन ये जीरो है। अब जीरो जो है वो असल में ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। मसलन इस ये वन ओवर एन सेट ऐसा है जिसकी एक लोअर बाउंड तो जीरो है लेकिन जीरो से छोटे जितने भी नंबर्स हैं माइनस वन माइनस टू माइनस वन पॉइंट फाइव ये सारी की सारी इसकी लोअर बाउंड आ रही है इस सेट की वन ओवर एन की, वेयर एन बिलोंग्स टू एन। लेकिन चूंकि जीरो इसमें मैक्सिमम है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, तो जीरो इसकी इन्फिमम कहलाएगी। लेकिन ये जो जीरो है ये इस सेट के तमाम एलिमेंट से छोटी है। तमाम एलिमेंट्स कौन कौन से बन रहे हैं, वन वन बाई टू वन बाई थ्री, ऐसे ही है ना। इस सेट के एलिमेंट्स क्या है, वन वन बाई टू वन बाई थ्री वन बाई फोर वन बाई फाइव वन बाई एंड सो ऑन। जीरो जीरो बिलोंग नहीं कर रहा लेकिन जीरो इसकी इन्फिमम है। और ये जो जीरो है इस सेट के तमाम एलिमेंट से क्या है, छोटी है ना। हम ये नहीं कह सकते ना कि ये एलिमेंट्स जो हैं वो जीरो से लेस हैं, क्या ख्याल है? यानी हम ये नहीं कह सकते वन ओवर वन लैक इज लेस देन इक्वल टू जीरो, क्या ख्याल है? यस मैम। समझ आ रही बात की? यानी हम ये नहीं कह सकते कि वन ओवर वन, यूं कह ले वन ओवर वन मिलियन प्लस वन ओवर टू मिलियन इज लेस देन इक्वल टू इन्फिमम ऑफ दिस सेट वन ओवर एन, जब नहीं कह सकते क्योंकि इन्फिमम तो खुद उस सेट के तमाम एलिमेंट्स से छोटी होती है। सुप्रीमम चूंकि बड़ी होती है तमाम सेट के एलिमेंट्स जो है उस सुप्रीमम से लेस होते हैं, इसलिए यहाँ पर जो सेकंड सेकंड टाइम आपने ये लेस देन इक्वल टू यहाँ लिखा नजर आ रहा है ना आपको, लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ दिस। इन्फिमम के केस में आप ये नहीं लिख सकते। जी मैम। क्योंकि इन्फिमम तो खुद छोटी है, वो कैसे बाकी सारे एलिमेंट से बड़ी हो सकती है। सुप्रीमम के बारे में आप ये लेस देन वाला बात यूज कर सकते हैं और ये ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है M4 सुप्रीमम के केस में। इसलिए इसलिए मैंने ये सारा जो डिटेल आपको लिखी है ना वो इसलिए लिखी है कि दिस शोज दैट x n माइनस zn इज नीचे बाउंडेड सीक्वेंस इन R, सो दिस विल बिलोंग्स टू L इन्फिनिटी, ठीक है। सो द बाउंड given in expression 1 on right hand side doesn't depend on n, so we may take supremum, बाद में supremum ली गई है left side पे, क्योंकि किसी खास n पे depend नहीं कर रही। हम कहते हैं xn minus z, यानी ये जो inequality 1 है ये satisfy हो रही है for every n belongs to n, ठीक है। तो इसका मतलब इनकी supremum अगर तमाम के लिए ये satisfy हो रही है तो इनकी supremum जो है वो भी less than होगी supremum of this plus supremum of this, और इस तरह से हो सकता है तो supremum बाद में apply की गई और ये proof हो गया।
ये ऐसा नहीं है कि सुप्रीमम पहले अप्लाई की गई है, पहले जस्ट लेफ्ट साइड पे आप कहते हैं कि ये सारे रियल नंबर्स हैं, ये अपनी इसी तरह का सेट जो है ये अपनी सुप्रीमम से लेस रहेगा, तो लिहाजा सुप्रीमम सेपरेट करके आप जो है ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी प्रूफ कर देते हैं। इन्फिमम के केस में आप ये चूंकि लिख नहीं सकते, ठीक है, सो दिस इज दैट इज दिस इज लेस देन इक्वल टू इन्फिमम ऑफ दिस, चूंकि नहीं लिख सकते लिहाजा फिर इन्फिमम के साथ जो फंक्शन आप डिफाइन करेंगे वो मैट्रिक्स की M4 को सेटिस्फाई नहीं करेगा, दैट्स व्हाई इट इज नॉट मैट्रिक्स स्पेस, ठीक है। सेम केस इज फॉर मिनिमम, यानी कि आपने CAB में मैक्सिमम यूज करते हैं ना, मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ टी माइनस जी ऑफ टी जो भी है आपके पास, एक मैक्सिमम वाला फंक्शन यूज होता है कंटिन्यूस फंक्शंस की स्पेस में, लेकिन अगर वहां पर भी आप मिनिमम करेंगे तो आप इसको जो है वो वायलेट कर नहीं कर सकते, कहने के ये जो है दिस इज प्लस दिस इज लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ दिस तो लिख सकते हैं और फिर मैक्सिमम सेपरेट हो जाएगा और फिर इस तरह से आप ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम की जगह अगर यहाँ पे मिनिमम होगा तो मिनिमम तो बजाते खुद छोटा होता है, जैसे माइनस वन से लेकर वन तक एक सेट है, एक इंटरवल है माइनस वन टू वन क्लोज इंटरवल, इसमें जो मिनिमम है इसका वो माइनस वन है, या वन ओवर एन सीक्वेंस ही आपने ली है, वन ओवर एन एक सीक्वेंस है, एक फंक्शन भी है बजाते खुद, क्योंकि सी ए बी में तो आपने कंटिन्यूस फंक्शंस लेने होते हैं ना, तो वन ओवर एन एक कंटिन्यूस फंक्शन ही है, लेकिन ये जो है कंटिन्यूस है, लेकिन इसकी मिनिमम जो है वो क्या है, जीरो, जो कि इस सेट को बिलोंग नहीं करती, तो मिनिमम चूंकि उस सेट को भी नहीं बिलोंग करती, और बात बात ऐसे भी होता है कि मिनिमम से लेस होते ही नहीं है तमाम एलिमेंट्स, क्योंकि मिनिमम बजाते खुद तमाम एलिमेंट्स से लेस होता है, जैसे एक अनदर एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ माइनस वन टू वन क्लोज इंटरवल की, ठीक है, माइनस वन टू वन क्लोज इंटरवल, इसका मैक्सिमम वन है, इसका मिनिमम माइनस वन है, इसकी सुप्रीमम भी वन है, इसकी इसकी इन्फिमम माइनस वन है, इस वक्त इसका मैक्सिमम इसकी सुप्रीमम के इक्वल है, इसका मिनिमम इसके इन्फिमम के इक्वल है, ठीक है, अगर माइनस वन से आप इसको ओपन कर देते हैं इसकी इन्फिमम उस वक्त भी माइनस वन ही होगी, लेकिन इसका मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करता, तो मिनिमम और मैक्सिमम में जब आप ये बात करते हैं तो ये मिनिमम मैक्सिमम बात करते एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होता, ठीक है, तो लेकिन चूंकि आपने वहां पर कंटिन्यूस फंक्शंस लिए हुए हैं, और इसके अलावा क्या था एक और चीज और स्पेशलिटी मेरे अभी अभी आई और अभी अभी स्किप हुई है, चले आती है तो दोबारा बताती हूँ, तो कि उस केस में भी चूंकि अगर आप मैक्सिमम लेते हैं यहाँ पर तो हर नंबर जो है अपने मैक्सिमम से लेस रहेगा, तो आप ये यहाँ पर जो सेकंड लाइन पे इनइक्वालिटी लिखी है लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम की बजाय यहाँ मैक्सिमम लिख देंगे, और लिख सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम खुद बजाते खुद बड़ा होता है सारे नंबर से, लेकिन अगर ये मिनिमम होगा तो नहीं लिख सकेंगे, जब नहीं लिख सकेंगे तो फिर ये M4 जो है वो फेल हो जाएगी टू प्रूव मैट्रिक स्पेस मैट्रिक फंक्शन, That's why, वो नहीं होती, मैट्रिक्स स्पेस नहीं होती। होपफुली आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी जो पिछले लेक्चर में। जी मैम, जी मैम। काउंट एग्जांपल देते हैं। मैम, जी बोलिए। मैम, आप कह रही हैं कि वन ओवर एन जो हम फंक्शन है वो सीक्वेंस में जब देखते हैं वो कंटिन्यूस है, मतलब इसकी डोमेन तो जब हम हमारे पास होती है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर पर फंक्शन कंटिन्यूस तो नहीं होता, उसमें तो ब्रेक आ जाते हैं। नहीं, आप अब आप इसकी डोमेन जो है वो आर नहीं ना लेंगे, अब आप इसकी डोमेन लेंगे एन, एन में वन के बाद अगला नंबर टू ही है, आर पे आप इसकी डोमेन आर नहीं ना ले रहे, आप इसकी डोमेन एन ले रहे हैं, समझ आ रही बात की कि नहीं आ रही, वन से जैसे रियल लाइन में तो अगला पॉइंट होगा 1.00001 वो साथ ही होगा इसके, इसमें जो अगला पॉइंट है वो टू है, इस वक्त आपके पास डोमेन जो है वो नेचुरल नंबर्स है, तो नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंग ये कंटिन्यूस ही होगा, आप इसको रियल लाइन में इसका ग्राफ तो नहीं ना बनाएंगे, इसकी आप जो है हॉरिजॉन्टल लाइन वो एन लेंगे। ओके मैम, अच्छा एक तो ये पॉइंट था, ये क्लियर हो गया, और कुछ हम क्या कर रहे थे, कितना कर लिया था, ये हो गया था, अच्छा ये हो गया था ना, ये मैंने आपको बता दिया था, लेट एक्स डी बाय मैट्रिक्स स्पेस अ सबसेट ओ सबसेट ऑफ एक्स इज कॉल्ड ओपन, कर लिया था क्या क्लास में कि नहीं? नो मैम, किया था। चले 2.9 तक कौन सा किया था, 20th एग्जांपल, एग्जाम्पल 20 हो गई थी, ठीक है, हाँ बिल्कुल, आपकी क्लास थोड़ा पीछे जा रही, तो ये 20 एग्जाम्पल जो है इसमें आपने ये प्रूव किया कि अगर मैट्रिक्स स्पेस डिस्क्रीट है तो उसका हर सिंगलटन सेट जो है वो ओपन होगा, ठीक है, ये आपने, और उसका जो जो ओपन बॉल है
या तो वो पूरी स्पेस एक्स होगी या उसकी ओपन वॉल जो है वो एक सिंगलटन एलिमेंट है। तो जिस जितने भी पॉइंट होंगे उस स्पेस में सारे सिंगलटन जो है यानी सारे पॉइंट्स जो हैं वो बजाते खुद ओपन वॉल्स होंगी। ठीक है, लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक्स पे, जैसे आपके पास ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, ये सारी डिस्क्रीट स्पेसेस हैं, सारे वन वन के डिस्टेंस पे हैं और हर पॉइंट मसलन आप वन पर वन एक सिंगलटन जो है वो क्या होगा ओपन वॉल, उसकी सिर्फ वन ही आएगा उसमें। टू पर अगर ओपन वॉल बनाएंगे किसी भी रेडियस की, आप 1.1 रेडियस की ले लेंगे तो उसमें दो आ जाएंगे, लेकिन छोटे रेडियस की अगर आप लेते हैं ना लेस देन वन, ये देखें ना वन से लेस अगर आर आप रखते हैं ना, मसलन टू के गिर्द आपने एक ओपन वॉल बनानी है जिसका रेडियस वन से लेस रहे या वन के इक्वल हो, ठीक है, तो उसमें सिर्फ टू ही आएगा ना उस सेट में, टू के अलावा कोई और पॉइंट नहीं आ सकता। थ्री है तो सिर्फ उसमें थ्री आएगा, फोर है तो सिर्फ फोर आएगा, लेकिन अगर रियल लाइन की बात करें हम आर की तो उसमें ऐसा नहीं है, वहां आप कितने भी छोटे रेडियस की एक बॉल लें तो उस पॉइंट के इर्द गिर्द कई सारे पॉइंट्स आ जाते हैं जिनको हमने बाद शुरू में प्रूफ भी किया था कि वो एक ओपन इंटरवल बन जाता है। ठीक है, अच्छा डेफिनेशन देते देखिए नेक्स्ट 2.9 के, लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक्स स्पेस, अ सबसेट ओ that is a subset of x is called open if for each x belongs to O there exists an open wall BXR contained in O, that is for all x belongs to O there exists R greater than 0 such that BXR is a subset of O। दोबारा देखिए, किसी भी मैट्रिक्स स्पेस को आप किसी भी मैट्रिक्स स्पेस के किसी भी सबसेट को ओपन कब कहेंगे और क्लोज्ड कब कहेंगे। ओपन कब कहेंगे, जब आप उस सेट के फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू, उस सेट के हर एलिमेंट पर देयर एग्जिस्ट एन ओपन वॉल, वी कैन मेक एन ओपन वॉल फॉर सम रेडियस, वी कैन मेक एन ओपन वॉल विद सेंटर एक्स एंड सम रेडियस आर विच इज टोटली कंटेन्ड इन ओ, दैट इज फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ओ there must exist a real number r, positive real number r, zara radius hota hai positive hai, such that this wall is totally contained in the set। ye major reason hai iski ki ye totally isme contain kare, to aisa set jo hai wo open set kehlata hai। acha ye time takriban khatam ho raha hai, dobara jaldi se join kijiye, main isko quit karti hu। यानी सपोज ये एक रफली हम खुद बना लेते हैं डायग्राम, ये ऐसा नहीं है कि ये ऐसा ही होती है, बस एक अपना आइडिया हैंग करने के लिए जस्ट ये थोड़ी फिगर होती हैं। ठीक हो गया, सपोज ये एक मैट्रिक्स स्पेस है और इसके अंदर ये एक सबसेट है, सपोज दिस इज सेट ए, ठीक है, या ओ कह लें, इस सेट ओ को व्हेन वी से दिस सेट इज एन ओपन सबसेट ऑफ दिस मैट्रिक्स स्पेस एक्स, ठीक है, तब जब इस पॉइंट इस सेट के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, मसलन इस सेट में सपोज हम कर लेते हैं इस सेट में ये कोई तीन चार पॉइंट पड़े हुए हैं, ठीक है, सपोज कर दिया, ये जरूरी नहीं है हूँ मतलब एक जस्ट, और हर पॉइंट ये इस पॉइंट पर किसी छोटे से रेडियस की भी बेशक, ये चले एक ये ले लें एक ये पॉइंट है जो बाउंड्री के करीब पड़ा हुआ है, ठीक है, कब इसको कहेंगे ओपन सेट ए को, जब इसके हर पॉइंट पर एक ओपन वॉल क्रिएट की जा सके जो टोटली इस सेट के अंदर कंटेन हो, समझ आ रही बात की, मतलब ये बना इस पॉइंट पर भी आप बना सकते हैं, इस पर तो बहरहाल एक थोड़े से ज्यादा बड़े रेडियस की भी आप बना सकते हैं जो इसमें टोटली कंटेन कर रही हैं, ये इस पर भी एक ओपन वॉल बनाई जा सकती है टोटली इसमें कंटेन कर रही है, इस पर भी बनाई जा सकती है, इस पर भी बनाई जा सकती है, ठीक है, तो इसका मतलब ये सेट ओपन है। अब कोई भी सेट ओपन कब नहीं होगा, तब नहीं होगा मसलन उसका एक पॉइंट यहाँ भी पड़ा हुआ था, ठीक है, और इस पॉइंट पर जब भी हम किसी भी छोटे से रेडियस की भी एक वॉल बनाएंगे तो वो पूरी इसमें कंटेन नहीं करेगी, डेट्स वाई वी कैन नॉट से डेट ए इज ओपन, ये भी मतलब नहीं है कि वो क्लोज है, ऐसा भी मतलब ही होता है कि जो ओपन नहीं है वो क्लोज होगा, ठीक है, तो ये है कि जो भी सेट अगर ओपन हो जाए तो उसका कॉम्प्लीमेंट जरूर ओपन होता है, ठीक है। रियल लाइन में आप एग्जाम्पल आप इसकी इस तरह से ले सकते हैं, मसला ये मेरे पास एक रियल लाइन है और इसका मैं एक सबसेट ले लेती हूँ, मसलन क्या ले लें, जीरो से लेके क्या ले लें वन तक ले लेते हैं, ठीक है। अब देखें जीरो शामिल नहीं है लेकिन जीरो की तरफ जाने वाले इन्फिनिट सेट में वन नहीं है लेकिन वन की तरफ वन को अप्रोच करने वाले
इन्फिनिट मैनी पॉइंट्स जो हैं वो इस सेट को बिलोंग कर रहे हैं. क्या इस सेट को हम ओपन सेट कह सकते हैं? क्या इसके हर पॉइंट पर हम एक ओपन वॉल क्रिएट कर सकते हैं जो इसमें कंटेन करे? मसलन इसका पॉइंट आपको लगेगा, मसलन इसका पॉइंट एक मैं स्मॉल एक्स ले लूँ, कोई बताए, कोई स्टूडेंट कोई बताए इसका पॉइंट. इसके जो दरमियान वाले पॉइंट है ना, मसलन 0.1, 0.2, 0.3, उस पर तो इजीली एक आप वॉल्स बना सकते हैं जो उसके अंदर कंटेन करेंगी. मसलन 0.1 ले लें तो 0.001 की एक रेडियस की एक आप वॉल क्रिएट कर सकते हैं जो टोटली उसमें कंटेन करेंगी. 0.2 ले लें, 0.2 अगर आप पॉइंट लेते हैं तो 0.1 रेडियस की इजीली एक वॉल बन जाएगी जो इसमें टोटली कंटेन करेगी. ठीक है, क्या ना मसलन ये देखें ना, ये है 0.2, तो छोटे से रेडियस की एक वॉल लेंगे. और आपको पता है कि रियल लाइन पर जो ओपन वॉल का मतलब क्या है, ओपन इंटरवल. तो आराम से एक ओपन इंटरवल बन जाएगा क्या, 2.1 और पीछे चले जाएं 1.1. ठीक है, तो नहीं 2.1 और माइनस करेंगे 2 में से तो ये क्या आ जाएगा, 0.1 रेडियस की ले रहे हैं, यानी 0.1 रेडियस का मतलब ये करिए 0.2 है तो 0.1 रेडियस की लेते हैं तो 2.1 इधर को और फिर 0.2 में से 0.1 माइनस कर दे तो इधर जो भी पॉइंट आता है वो ये एक ओपन वॉल टोटली इसमें कंटेन कर रही है. सिमिलरली यहाँ पर पॉइंट है 0. फर्ज करें 1, 0.1 के लिए भी एक बहुत ही छोटा रेडियस मतलब 0.05 रेडियस की आप इजीली एक ओपन वॉल या यूं कहने के ओपन इंटरवल यू कैन मेक दैट इज टोटली कंटेंड इन द सेट. ठीक है, मसलन अब थोड़ा सा और ले लें, बहुत ही छोटा सा पॉइंट ले लें, मसलन कोई बताए स्टूडेंट, बहुत छोटा पॉइंट जो जीरो की तरफ जा रहा है, मसलन 0.001, मसलन आपने कह दिया 0.00, चलो और छोटा करें 0.1 ले लिया हमने एक पॉइंट. ये किसको बिलोंग कर रहा है, सेट को बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 0.1 को, एक सेट है ये इसको बिलोंग कर रहा है. क्या हम इस पॉइंट के इर्द गिर्द एक ओपन वॉल बना सकते हैं किसी रेडियस की जो इस सेट में यानी 0.1 ओपन इंटरवल में को बिलोंग करती हो, के अंदर पूरी अंदर कंटेन करती हो, इसके अंदर हो पूरी? जी मैम. हाँ कैसे, 0.0001 की एक ले लें बेशक, ठीक है ना, तो उसमें रेडियस में हमें कोई वो नहीं होता कि हमने कितना लेना है, जस्ट एक पॉजिटिव रियल नंबर होता है. तो कितने भी छोटे रेडियस की इजीली आप एक वॉल बना सकते, कोई भी पॉइंट आप यहाँ पर लेंगे कितना भी छोटा ले लें आप उससे भी छोटे रेडियस की एक वॉल क्रिएट कर सकते हैं इसी इंटरवल के अंदर जो टोटली इसमें कंटेन होगी. ऐसा नहीं है कि वो बाहर चले जाएंगे, उसके पर इसी में ही रहेगी. सिमिलरली 1 के साथ भी ऐसा ही है. ठीक है, 1 पर भी ऐसे ही जो जितने भी पॉइंट्स 1 की तरफ जा रहे हैं आप उन तमाम पॉइंट्स पर बॉल्स बना सकते हैं जो इसमें कंटेन करती हैं. अब थोड़ी देर के लिए देखें, अगर 1 तो हमने यहाँ पे ओपन किया हुआ है, अगर हम यहाँ पे 1 को क्लोज कर देते हैं तो ये सेट ओपन अब नहीं रहेगा. क्यों ओपन नहीं रहेगा? क्योंकि ये जो 1 पॉइंट है, क्योंकि ये जो पॉइंट 1 है, 1 पॉइंट पर जब भी आप एक रेडियस की बॉल लें, मसलन आप रेडियस ले लें कोई कितना भी छोटा रेडियस क्यों ना लें, बस बताएं कोई छोटा सा रेडियस ही यही ले लें 0.001 बोलिए. जी मैम. मसलन आप यही ले लिया रेडियस 0.001, जब आपने ये रेडियस लिया है तो इस 1 पॉइंट पर को सेंटर लेते हुए इसकी जो बॉल बनेगी वो क्या बनेगी, 1.0001. हाँ जी मैम, बाहर चली जाएगी. कुछ पॉइंट इसका जो है वो यहाँ बाहर आ जाएगा और कुछ जो है वो इसके अंदर होगा. तो ये जो बाहर वाले पॉइंट्स आ रहे हैं चाहे कितने भी हैं ये, लेकिन है तो इस सेट के तो बिलोंग नहीं करेंगे ना, इसका मतलब इस पॉइंट पर जो वॉल बनेगी वो टोटली सेट में कंटेन नहीं कर रही, लिहाजा ये सेट ओपन नहीं है. सेट ओपन उसी वक्त होगा अगर उसके हर पॉइंट पर एक ओपन वॉल क्रिएट की जा सके और वो वॉल टोटली उसमें कंटेन करती हो. इस नहीं नजर आ रहा होगा, बल्कि आपको देखते हैं दोबारा. यस, नहीं जो रेडियस है ना वो ग्रेटर देन जीरो होता है. ठीक है, रेडियस हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होता है. ठीक है, तो अब बात ये हो रही थी कि
इस डेफिनेशन को मैं असल में आपको कॉन्सेप्ट इसका दे रही थी, अब इसको पढ़ें तो आपको ज्यादा समझ आ जाएगी। लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक्स स्पेस, अ सबसेट ओ ऑफ एक्स इज कॉल्ड ओपन इफ फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ओ देयर एग्जिस्ट्स एन ओपन वॉल बी एक्स आर कंटेन्ड इन ओ, दैट इज फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स वी कैन मेक एन ओपन वॉल फॉर सम रेडियस that is totally contained in the set O, suppose such that BXR is less is a subset of O. So such type of ball is called open. Such a type of set is called open set. ठीक है, तो जो अगर set open है तो उसका जो होगा ना complement होगा वो closed होगा। ठीक है, जैसे अभी आपने एक लिया ओपन इंटरवल लिया था 0 to 1, ये ओपन सेट था, इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू 0, 0 इंक्लूड होगा, यूनियन 1 to infinity 1 भी इंक्लूड होगा इस सेट में, और ये सेट जो है यूनियन बन रहा है दो सेट्स की, ये क्लोज्ड है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है जो सेट ओपन नहीं है वो क्लोज्ड लाजमी हो, जैसे अभी आपने 0 to 1 लिया, 1 से क्लोज था 0 से ओपन था, ये सेट ओपन नहीं था, लेकिन ये नहीं है कि ये क्लोज था, ये क्लोज भी नहीं है। ठीक है जी मैम। अच्छा जी, अब देखें एग्जांपल 21, लेट ओ इज इक्वल टू 0 1, ये देखो ये वही है तकरीबन, बी द यूनिट ओपन इंटरवल ऑफ आर, देन ओ इज ओपन सबसेट ऑफ आर, फॉर इफ एक्स इज एनी पॉइंट ऑफ ओ देन विद सम सफिशिएंट स्मॉल रेडियस आर द बॉल विद क्या होगा ये एक्स माइनस आर एक्स प्लस आर विच इज टोटली कंटेन्ड इन 0, दिस एंड दिस सेट इज नॉट ओपन इन दिस सिंस एनी ओपन बॉल विद सेंटर 0 इज नॉट कंटेन्ड इन दिस। तो इस तरह के ये जैसे 0 पर है या 1 पर भी अगर आप बना ले तो अभी वो, तो इस तरह के सेट। अच्छा, ये कुछ थ्योरम्स हैं जिनके स्टेटमेंट्स आपने याद रखनी है, प्रूफ तो हम इसके स्किप करेंगे क्योंकि इनके प्रूफ करने लगे तो आपके फंक्शन एनालिसिस रह जाएगा। ये असल में मैट्रिक्स स्पेसेस की चीज़ें हैं जो आपके फंक्शन में यूज़ होती हैं डिफरेंट प्रूफ्स के लिए। मैट्रिक्स स्पेस बजाते खुद एक वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन चूँकि आपकी जो कोर्स आउटलाइन जिसने भी क्रिएट की हैं उसमें जस्ट मैट्रिक्स स्पेस लिख के आगे कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस, सेपरेबल मैट्रिक्स स्पेस और आगे चले गए, इसकी ये सारी डिटेल्स वहाँ पे चूंकि मेंशन नहीं है तो इसलिए हम इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन हमें जो चीज़ें ज़रूरी थी मैं समझती थी कि आपके समझने के लिए लाजमी है कि आपको पता हो कि मैट्रिक्स स्पेस में ओपन सेट क्या होता है, मैट्रिक्स स्पेस में ओपन वॉल का क्या मतलब है, मैट्रिक्स स्पेसेस किस कितनी टाइप की हैं या हो सकती हैं, मज़ीद भी आप ऐसे कई फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं जो मैट्रिक की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हों, और मैट्रिक की आगे क्या कह लें कि जनरलाइजेशन भी बहुत हैं, बहुत सारे नेक्स्ट ऐसे हैं जो मैट्रिक्स स्पेस हैं, जैसे फजी मैट्रिक्स स्पेसेस हैं, सूडो मैट्रिक्स स्पेसेस हैं, फिर आगे इंट्यूशनिस्टिक मैट्रिक्स स्पेसेस, वो सारी इसी मैट्रिक्स स्पेस की जनरलाइजेशन बन जाती हैं। खैर उन पर भी बहुत काम हुआ है जो कि कंप्यूटर में कंप्यूटर्स प्रोग्रामिंग में इसका बहुत एप्लीकेशंस हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस डिफाइन करती है ना, इवन रिकॉग्निशन, ये जो बायोमेट्रिक का भी सिस्टम है इसमें भी आपके थंब की आपके फेस को डिटेक्ट कर लेता है और उसका एक इमेज ले लेता है ना कि इस टाइप का इमेज है, और उस तरह जब भी इमेज मैच करेगा तो आपको वो ओके कर देगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो इसमें इसी टाइप की फजी मैट्रिक टाइप की मैट्रिक्स स्पेसेस ही यूज हुई हैं उस प्रोग्राम में, जब भी जिसने भी उसको किया डिफाइन और इसको यूज किया है उसके लिए। मैम थंब इंप्रेशन में भी मैट्रिक्स स्पेस, बायोमेट्रिक थंब में भी तो होती है, जैसे आप जाते नहीं अपनी सिम वगैरह लेने आपका बायोमेट्रिक करते हैं आपका, तो उसके पीछे मैट्रिक्स स्पेसेस होती हैं, उसके पीछे वो मैट्रिक्स स्पेस से ये होता है ना, कोई फजी मैट्रिक्स स्पेसेस होती है ना उससे पीछे ये होता है कि वो आपके जो भी ये है ना लिया हुआ एक दफा आपका इंप्रेशन लिया होता है थंब का इंप्रेशन, हर दफा वो इसको रिकॉग्नाइज करेगा, रिकॉग्निशन के लिए मैट्रिक्स स्पेसेस यूज होती हैं। ठीक है, ये जो सैटेलाइट्स ऊपर पड़ी हुई हैं, ये नीचे चीजें जो हैं वो आपको वहाँ पे सारी आप गूगल मैप में देख लेते हो कि क्या क्या चीज़ कहाँ, वहाँ भी मैट्रिक्स स्पेसेस यूज हुई हुई हैं। ठीक है, इसी तरह से ये मतलब इनके डिफरेंट जो है एप्लीकेशंस जो, ऐसा नहीं है कि आप इन चीज़ों को फजूल में पढ़ रहे हैं, अगर आप ये सब्जेक्ट मैथमेटिक्स पढ़ के कहीं कंप्यूटर में चले जाते हैं ना तो प्योर मैथ की चीज़ें जितनी भी आप पढ़ेंगे ना आपको यहाँ वहाँ इतनी बेशुमार उसकी एप्लीकेशन मिलेगी, और अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो एप्लीकेशन के लिए तो वो ज़रूर कंप्यूटर को भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर्स जो हैं उनको वो सीखे और उस तरफ जाए तब के उसको पता चले कि मैथ जो यहाँ आपने पढ़ा था वो फजूल में नहीं पढ़ा था। अदरवाइज अभी जो आप ये चीज़ें पढ़ रहे हैं ना ऐसे, जैसे हमारे तो है हमने 3 महीने में आपको ये कोर्स करवाना है,
ठीक है ना, हमारा ये काम है कि हमने आपको ये काम करवाना है, ये इसकी बेसिक्स जो है नॉलेज है ये आपको सारा देना है। तो अभी आपको ये लग रहा होगा कि जैसे ये हम चीजें बस ऐसे ही पढ़ रहे हैं, ऐसे बस रट्टा लगा रहे हैं, इसका फायदा कहीं नहीं है, ऐसा ही लग रहा होगा ना, अभी पिछले दिनों में भी आपको ये लग रहा होगा। जी मैम, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा नहीं है, इसकी बेशुमार एप्लीकेशंस हैं। ओके, मैं आपको असल में इस तरफ लेकर आई थी कि ये जो थ्योरम अभी हम करने लगे हैं, इसको अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो मैं इसको डिटेल में ही ये सारे थ्योरम प्रूफ करवाती थी अपने स्टूडेंट्स को। उस वक्त मैट्रिक्स स्पेस का एज अ सब्जेक्ट था, फोर सेमेस्टर में ना आपके एज अ सब्जेक्ट होता था मैट्रिक्स स्पेस एंड टोपोलॉजिकल स्पेसेस, उसमें ये सारी बेसिक चीजें बताई जाती थी, ये जो हम थ्योरम अब स्किप करेंगे लेकिन वहां पढ़ते थे स्टूडेंट्स। तो लेकिन बाद में कहीं ऐसा हुआ है, ये तकरीबन 8 साल पहले की बात है, ये होते थे सब्जेक्ट्स, बाद में कोई अफाइन ज्योमेट्री किसी ने इंट्रोड्यूस कर दी है इसमें और ये सब्जेक्ट निकाल दिया है, जिसकी वजह से ये स्टूडेंट्स फिर जब भी मैं फंक्शनल पढ़ाती हूँ तो फिर बेसिक्स के लिए मुझे ये सारी चीज़ें अभी तक जितनी भी आपने पढ़ी हैं आपको समझानी पड़ती हैं। अदरवाइज आप क्रेजी की बुक अभी भी इसके बाद हमने वो पढ़नी है, आप देखेंगे वहाँ पे जस्ट इसको जो है ना हर स्पेस को जो है वो मेंशन किया हुआ है, इसका प्रूफ कहीं नहीं है। प्रूफ जस्ट इसीलिए आपको करवाए हैं आपको पता हो कि ये चीज़ें प्रूफ हुई कैसे हैं, और अगर नहीं हुए कुछ फंक्शंस प्रूफ तो वो क्यों नहीं हुए। अभी आपको भी मैंने एक दो फंक्शंस दिए थे लास्ट मैम, ये सिर्फ उन्होंने एक आउटलाइन दे दी कि मैट्रिक्स स्पेसेस और बाकी टॉपिक्स भी हमारे काफी हैं, तो मैम हम सिर्फ इधर फिर सिर्फ हम उसका इंट्रोडक्शन और जो ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें वो पढ़ेंगे या इसे सारे को पढ़ेंगे जिस सब्जेक्ट में पढ़ा जाता है? नहीं, अभी तो आप सारी पढ़ेंगे ना, जितनी मैंने करवाई है वो तो आप सारी पढ़ेंगे ना। मैं आपको यही बता रही हूँ कि मैं आपको डिटेल में नहीं करवा रही मैट्रिक्स स्पेस की, तो मैट्रिक्स स्पेस की एग्जांपल जरूर मैंने डिटेल में करवानी थी, वो मैं समझती थी कि आपको पता हो। ओपन वॉल मैट्रिक्स स्पेस के ओपन वॉल को अगर आप डिफाइन ना करें तो मैट्रिक्स स्पेस का कह लें कि वो जो होता है ना फौत हो जाता है, उसको पढ़ने का मकसद ही फौत हो जाता है कि आप फायदा क्या फिर आपको मिलता है, या आगे आप अप्लाई नहीं कर सकते ना उसको अगर आपको ओपन बॉल ओपन सेट्स का पता ना हो। ठीक है, हाँ ये और बात है जब आप ओपन सेट्स फिर नेबरहुड्स फिर उसकी एक्युमुलेशन पॉइंट्स फॉर इसकी डिटेल्स, जैसे आपने टोपोलॉजी में नहीं पढ़ी पढ़ी होंगी ना आपने लिमिट पॉइंट्स और फिर नेबरहुड्स पढ़ी होंगी ना आप लोगों ने? जी मैम। तो ये सारी मैट्रिक्स स्पेस में भी तकरीबन वही इनकी डेफिनेशंस है, तो वो मैं कर रही हूँ, मैं वो सारे स्किप कर रही हूँ क्योंकि आपने वहाँ चीजें वो पढ़ ली हुई हैं, यहाँ सेम वही है। लेकिन कई सारे प्रूफ में संजय है एनी ओपन वॉल इन अ मैट्रिक्स स्पेस इज एन ओपन सेट, क्या थ्योरम है? एनी ओपन वॉल इन अ मैट्रिक्स स्पेस इज एन ओपन सेट, तो मैट्रिक्स स्पेस कोई भी हो इससे कोई कंसर्न नहीं है, बॉल उसकी कैसी भी बनी है इससे भी हमें कोई कंसर्न नहीं है। बाज़ का देखा इंटरवल बनता है, बाज़ का क्या बनता है वो एक ओपन स्ट्रिप बनती है, मैट्रिक्स पे डिपेंड करता है ना, स्पेस पे डिपेंड करता है ना, कंटिन्यूस फंक्शन की है जी मैम है, तो फिर यूक्लिडियन है तो वो क्या एक ओपन वो एक वो डिस्क बन जाती है। ठीक है, टैक्सी क्या मैट्रिक है तो वो एक स्क्वायर बन जाता है, दूसरी मैट्रिक है उसमें भी एक स्क्वायर बन जाता है, तो डिफरेंट टाइप्स के ओपन बॉल का मतलब वो डिफरेंट टाइप्स के सेट्स बनते हैं उस मैट्रिक के अंदर, जिनकी यूनियन करने से क्या बनता है आपके पास एक टोपोलॉजी जनरेट होती है। ठीक है, तो इस तरह से हर मैट्रिक्स स्पेस जो है वो टोपोलॉजिकल स्पेस भी बन जाती है, नीचे भी हम इसको थ्योरम में यही पढ़ेंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये कि इस थ्योरम को का प्रूफ मैं यहाँ पे स्किप करवा रही हूँ क्योंकि आपने मैट्रिक्स स्पेसेस पढ़नी है लेकिन डिटेल नहीं है यहाँ पर आपके कोर्स आउट। ठीक हो गया मैम, ये मैं बताना चाह रही हूँ कि आप जस्ट इसको अब ये पढ़ेंगे याद रखेंगे कि एनी ओपन वॉल इन अ मैट्रिक्स स्पेस इज एन ओपन सेट, तो जब भी कोई ओपन वॉल होगी वो हमेशा ओपन सेट होता है। मसलन रियल लाइन के अंदर आपने देखा कि ओपन वॉल ओपन इंटरवल्स होते हैं, ठीक है, तो हर ओपन इंटरवल जो है वो क्या होगा ओपन सेट होगा, बात समझ आ रही बात? इसके अलावा भी ओपन सेट्स होते हैं लेकिन हर ओपन वॉल जो है वो लाजमी ओपन सेट होगा। नेक्स्ट थ्योरम क्या है, लेट ओ बी सबसेट ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी देन ओ इज ओपन इफ एंड ओनली इफ इट इज यूनियन ऑफ ओपन वॉल्स, तो ओपन सेट उस वक्त भी होगा जब वो यूनियन ऑफ ओपन वॉल से बने। इससे परेशान नहीं होना, याद रहता है तो कर लें रख लें, वरना ये थ्योरम बहुत ज्यादा इसका यूज नहीं है कहीं भी। बहरहाल ये अब है कि कोई भी सेट जैसे ओपन कब होगा, जब जैसे आपने उसकी अभी डिटेल में डेफिनेशन पढ़ी कि अगर उसके हर पॉइंट पर एक ओपन वॉल बनाई जा सके जो टोटल इसमें कंटेन हो। ठीक है, दूसरी सूरत में आप ये वो थ्योरम है जैसे कि ग्रुप में नहीं, एक ग्रुप सब ग्रुप की आप डेफिनेशन पढ़ते हैं, एक सब ग्रुप क्राइटेरिया पढ़ते हो,
जी मैम ना सब ग्रुप क्राइटेरिया क्या एक्स माइनस वाई बिलोंग एक्स वाई बिलोंग्स टू सबसेट जो भी नाम दे एस देन एक्स माइनस वाई अगर अंडर एडिशन ग्रुप है तो एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू द ग्रुप जी मैम ऐसे ही अगर मल्टीप्लिकेशन है तो एक्स वाई इनवर्स कह देते हैं कि उसको बिलोंग करे तो ये एक सब ग्रुप क्राइटेरिया है इससे भी बहुत सारे थ्योरम प्रूफ हो जाते हैं एक उसकी डेफिनेशन है डेफिनेशन से भी प्रूफ हो जाते हैं तो ये वो उस तरह की चीज है क्या सेट इज ओपन इफ एंड ओनली इफ इट इज यूनियन ऑफ ओपन बॉल्स नेक्स्ट थ्योरम जो है दैट इज इंपॉर्टेंट थ्योरम क्या कि लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक्स स्पेस देन एम्प्टी सेट एंड एक्स बोथ आर ओपन सेट्स ठीक है नंबर टू क्या इफ ओ वन ओ टू सो ओ एन आर ओपन सेट्स देन देयर इंटरसेक्शन इज एन ओपन सेट मींस इंटरसेक्शन ऑफ एनी फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज ओपन ठीक हो गया नंबर थ्री क्या फॉर ईच अल्फा बिलोंग्स टू ओमेगा ओ अल्फा इज एन ओपन सेट then union of O alpha where alpha belongs to omega is an open set. omega क्यों लिख दिया indexing set के तौर पर यानी ये finite भी हो सकता है infinite भी हो सकता है अगर ये finite होगा तो ये जितनी भी collection है ये finite हो जाएगी finite की union भी जो है open होगी finite union of open set is open लेकिन अगर ये infinite set बनेगा मतलब omega infinite होगा O1 O2 O3 O4 इस तरह से ये infinite set आएगा उनकी union भी ओपन की ओपन रहेगी सो यूनियन ऑफ एनी फैमिली ऑफ ओपन सेट इज ओपन तो ये तीन वो चीजें हैं जो मैट्रिक्स स्पेस में प्रूफ हो जाती हैं प्रूफ हैं यानी कोई भी अगर सेट मैट्रिक्स स्पेस है किसी मैट्रिक डी के अंडर देन नंबर वन टू थ्री आर सेटिस्फाइड प्रूफ है यहाँ पे नीचे इसका ये प्रूफ हो जाती है ठीक हो गया लेकिन जब आप टोपोलॉजिकल स्पेसेस पढ़ते हैं आप क्या कहते हैं अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो किस सेट के लिए तो उसको हम कहेंगे टोपोलॉजिकल स्पेस है ऐसा ही है ना जी मैम ये वो तीन चीजें हैं जो मैट्रिक्स स्पेस में प्रूव्ड है हर मैट्रिक्स स्पेस के लिए ये चीजें प्रूफ होती हैं हर मैट्रिक्स स्पेस के लिए ये प्रूफ होंगी जनरल प्रूफ है ना इसका नीचे लेकिन टोपोलॉजिकल स्पेस में ये कंडीशन बन जाती हैं इसका मतलब हर मैट्रिक्स स्पेस के लिए हर मैट्रिक्स स्पेस इन तीनों कंडीशंस को तो सेटिस्फाई करती ही है मीन इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी मैट्रिक्स स्पेस इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस डू यू एग्री यस यस मैम ठीक हो गया ना तो इस तरह से जो है जो टोपोलॉजिकल स्पेसेस है वो थोड़ी लार्जर स्पेसेस होती हैं इसमें इसके अलावा भी कई टोपोलॉजीज ऐसी हैं जो जिनके पीछे कोई मैट्रिक फंक्शन डिफाइन नहीं होता लेकिन वो टोपोलॉजी की कंडीशन को सेटिस्फाई कर देती हैं अच्छा यहाँ पर जस्ट एक रिमार्क है हाँ जी टाइम हो चुका है चले अब करें फिर कल जो है ना हम थोड़ी सी क्लास ज्यादा लेंगे 12 बजे कोई क्लास तो नहीं है कल आपकी मैम दो क्लासेस हैं 11 से एक आपकी और एक क्लास है हमारी अच्छा 11 से पहले तो नहीं है ना कोई क्लास नो मैम चलो 11 से पहले हम ना शुरू कर लेंगे क्लास अपनी कितने 10:45 पे कल क्लास शुरू करेंगे ठीक है स्टूडेंट्स ये कंप्लीट हो गया आज का भी टॉपिक इधर रह गया आपने लास्ट क्लास मिस कर दी है ओके फिर